हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी सी हुई थी फिर रुक गई। और जिन्होंने मतलब मेरी नानू को बर्थडे में विश किया था, इतने अच्छे अच्छे ब्लेस दिए उसके लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप लोग के ब्लेस बहुत ही अच्छे थे, आई होप आप लोग के सारे ब्लेस उसे मतलब लगें, बहुत तरक्की करे वो, सो थैंक यू। और मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई। एक्चुअली कल क्या हुआ था ना यार, मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जैसे ही मैंने सारी तैयारी की, मैं रेडी वगैरह हुई, फिर ना नानू मतलब नानू का होमवर्क करवा दिया था मैंने। फिर मैं सोची वो कोचिंग वगैरह जाएगी, बट वो नहीं गई। वो जैसे ही नीचे गई, मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, फिर मैंने सोचा वो जाए कोचिंग। तो जैसे ही वो नीचे गई ना, उसकी यहाँ पे कुछ लग गया था, तो बहुत ज़्यादा उसे पेन हो रहा था, ब्लड भी आ गया था थोड़ा सा। तो फिर मैं इस कारण से नहीं बना पाई, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिर मैंने बोला हो गया छोड़ो, कल बनाऊँगी। और आज मैंने सोचा है कि जो मेरे ब्लाउज रह गए थे, मतलब सेकंड पार्ट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट थर्ड पार्ट के लिए कुछ ब्लाउज रह गए थे, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसकी डिज़ाइन भी आप लोगों को दिखाऊं। और जो भी आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और देखते हैं, चलिए मेरे ब्लाउज कलेक्शन का पार्ट 3। कॉटन की साड़ियाँ जो भी होती हैं, मैं उनके सिंपल ब्लाउज ही स्टिच करवाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों के अपने जो भी बच गए थे उसके ब्लाउज। ये है एक कॉटन की साड़ी है मेरी, तो वो इस तरह का सिंपल सा ब्लाउज है, बट पहनने पे ना बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। ये सब प्लेन रहता है और ये सब डिजाइन। और ये है एक ब्लाउज मेरा। एक्चुअली इसकी साड़ी ना, जब मेरा बेबी शावर हुआ था, जब नानू हुई थी, तब का ये ब्लाउज, इसकी साड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत प्रिटी है। मैं किसी दिन आप लोगों को जब साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी, तो उसमें ज़रूर बताऊंगी कि इस ब्लाउज की साड़ी कौन सी है। और ये है सिंपल सा, ये भी कॉटन की साड़ी का ही ब्लाउज है मेरे, ग्रीन कलर का। पहनने पे ये भी मतलब सिंपल सा है, बट जो ये लगे हुए हैं ना, तो ये स्मार्ट लुक देते हैं, मस्त लगता है पहनने पे। और सिंपल यस। और ये है मतलब साड़ी रेड कलर की है, और उसमें ये गोल्डन टाइप्स ब्लाउज है। ये बैक साइड का है। नेट लगा हुआ है इसमें, क्रीम कलर का, साड़ी इस कलर की है और ये क्रीम कलर का नेट लगा हुआ है।
इसमें ना ये हल्की सी पाइपिंग है, क्योंकि ना ये रेड कलर की पूरी साड़ी है, तो इसमें ना कुछ कलर कॉम्बिनेशन नहीं था, तो मैंने इसमें ना पतली सी जो साइड में पाइपिंग होती है ना, तो वो डलवाया था मैंने। बहुत परेशान करी मेरे पीछे बैठ कर। ये डीप गले का ब्लाउज है, बहुत सिंपल ब्लाउज है, इसमें लेस लगी हुई। इसमें एक्चुअली क्या था, इसमें ना ऐसे स्टैंड कॉलर था, इस वाले ब्लाउज में स्टैंड कॉलर था और नेट लगा हुआ था, तो इसका जो नेट था ना वो मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे मेरी साड़ी है मेहरून और क्रीम कलर की और उसमें रेड बॉर्डर थी, तो ये बॉर्डर कलर का ब्लाउज तो था, बट ना जब इसका मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया था तो इसमें मेहरून कलर का उन्होंने लगा दिया था नेट, तो जब वो साड़ी वेयर करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पीठ की कलर चेंज हो गई, अटपटा सा लगता था मुझे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने इसका ना नेट और प्लस जो स्टैंड कॉलर था वो निकलवा दिया था, इसीलिए इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है, क्योंकि इस एरिया में ना नेट लगा हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा डीप लगता है, बाकी पहनने पे इतना चेक नहीं होता, क्योंकि अपन ससुराल में अपन का सर ढक जाता है तो पूरा कवर हो जाता है वहाँ पे। और ये है मेरा सबसे फर्स्ट ब्लाउज, एक्चुअली क्या था ना जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी और यहाँ पे है कपड़े की शॉप हमारे यहाँ, तो जब मैं फर्स्ट टाइम दुकान गई थी तो पापा ने मुझे साड़ी दी थी, एक्चुअली मेरी शादी में ना बहुत ज़्यादा नेट चलता था और मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं मैं किसी दिन अपनी शादी की स्पेशली अपनी वेडिंग की साड़ी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो सारी साड़ियों में नेट है, बहुत ज़्यादा नेट है। और ये भी मेरी शादी का ब्लाउज, मतलब शादी की साड़ी का ब्लाउज है, जो कि ना मैंने ये साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी और मुझे ना ये कलर जब पहनती हूँ ना तो बार बार लगता है, बस एकदम बहुत प्यारा लगता है ये कलर, और शादी में मेहरून रेड तो कॉमन ही होता है, तब मुझे यहाँ से चढ़ाव में गई थी ये साड़ी, और इसका ब्लाउज भी मैंने मनिंदर से ही स्टिच करवाया था। जब ये लुम्बा है ना जो लटकता बहुत प्यारा लगता है यार, सच में ये साड़ी पहनने में बहुत प्रीटी लगती है ये साड़ी।
ये साड़ी है ना जो मेरी इस कलर की है, इसमें इसका ब्लाउज मिला हुआ था तो मैंने इसलिए स्टिच करवाया था। सो गाइस, ये आज मेरे ब्लाउज कंप्लीट हुए और दो ब्लाउज और हैं जो कि मेरे लहंगे के हैं, मैंने सीनी दीदी की शादी में स्टिच करवाए थे और कुछ ब्लाउज अभी मेरे पास रखे हुए हैं जो अभी स्टिच नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत दिन से यार मनेनगढ़ नहीं गई हूँ तो काफ़ी सारे ब्लाउज इकट्ठे हो गए हैं, आई थिंक 7 या 8 हैं। तो जब वो स्टिच होकर आएंगे तो फिर मैं उनके उनका वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं अपने ब्लाउज कैसे स्टिच करवाऊं, बट जब मैं क्या है ना यार अभी से सोच लो तो फिर वो भूल भी जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा जब भी मैं इसे स्टिच करवाने भेजूंगी किसी से या फिर जब भी मैं मनेनगढ़ जाऊँगी मायके तब उन सारे ब्लाउजों को स्टिच करवाऊंगी और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लहंगे के ब्लाउज। तो ये है मेरी शादी, जो दीदी की शादी में मैंने लहंगा पहना था तो ये है उसका ब्लाउज, ये है बैक, इसके लटकन बहुत ज़्यादा प्रीति हैं यार ये देखो, बट ना थोड़े से ना ख़राब से हो गए हैं, ये जो रेशम होता है ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो मैंने अभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद पहनने की तो ऐसे ही रखा हुआ है, बट जब अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसे क्लीन करवा लूँगी, दूसरे लगवा लूँगी या तो फिर। ये है फ्रंट का, ये ना हैवी था तो मैंने इसे प्लेन ही मतलब कि बैक पे इसके हुक लगवाए थे और फ्रंट पे प्लेन था तो हैवी ब्लाउज ना सिंपल, कभी भी आप नोटिस करिएगा जो हैवी ब्लाउज रहेंगे ना उसे आप सिंपल भी सिलवाओगे ना तो वो बहुत प्यारा लुक देता है। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लाउज के साथ मैं इसका लहंगा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे सारी चीज़ों का बताना कि कैसा लग रहा था आप लोग को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को इसका लहंगा, एक काम करती हूँ पहले एक और जो ब्लाउज़ है लहंगे का जो मैंने दीदी की संगीत में वेयर किया था तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को फिर दिखाऊंगी उसका लहंगा। एक ये है उसका ब्लाउज, इसमें ना इसमें भी फ्रंट पे प्लेन है और बैक पे डिजाइन, इसके लटकन भी बहुत प्रीति हैं। अब मैं दिखाती हूँ इन दोनों के लहंगे आप लोगों को। ये ऐसे साइड पे आता है जो इसके ना बैक पे भी ये डिजाइन दिया गया है,
सो गाइस, जो मैंने पीच कलर का लहंगा आप लोगों को दिखाया था ना, तो वो है मैंने दीदी की शादी में वेयर किया था बारात में. और जो ऑरेंज कलर का मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो उसमें रेड कलर का उसमें स्कर्ट टाइप से, वो मैंने ना इसे स्टिच करवाया था लहंगे को, वहीं से जहाँ से मैं अपने ब्लाउज स्टिच करवाती हूँ, तो वो लहंगा वहीं का स्टिच हुआ है. तो मैंने ये लहंगा पूरा वहीं से सिलवाया था, पूरा मतलब कि ब्लाउज़ और उसका लहंगा प्लस दुपट्टा भी वहीं से मैंने बनवाया था, मतलब तैयार करवाया था. सारी चीज़ें मैंने वहीं से तैयार करवाई थी. तो मैंने ये संगीत में वेयर किया था और शादी में पीच कलर का पहना था. अगर आप लोगों को ये ब्लाउज और लहंगा, लहंगे के ब्लाउज और प्लस लहंगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ अच्छा लगा और क्या मतलब कौन से ब्लाउज अच्छे लगे और कौन से ब्लाउज अच्छे आप लोगों को नहीं लगे. बाय बाय.